इसके साथ एक मिलेगी आपको E-B22 होल्डर, जो E27 से B22 कन्वर्टर के होल्डर मिल रहा है। E14 का भी एक होल्डर मिलेगा आपको। उसके बाद आपको मिलेगा ड्राइवर टेस्टिंग के एरिया, MCPCB टेस्टिंग एरिया, और ये जो है ये मोड चेंज करने के लिए मिलेगी आपको, ड्राइव मोड के लिए, शटडाउन के लिए और लैंप होल्डर के लिए। अगर आप लैंप होल्डर लगाते हो और ये मोड अगर नहीं किया हुआ है तो फिर ये ग्लो नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा। इसको आपको लैंप होल्डर मोड में जाना पड़ेगा, फिर जाके ये पावर देना पड़ेगा, उसके बाद ये स्टार्ट होगा। तो ये हो गया हमारा ड्राइवर टेस्टिंग मशीन। इसमें हम चेक कर सकते हैं एसी वोल्टेज कितना है, हमारा वोल्टेज क्या निकल रहा है, हमारा जो ड्राइवर है उसका पावर फैक्टर क्या निकल रहा है। ये जो तीन चीज जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें नहीं समझ में आती है कि क्या कितना क्या पावर फैक्टर निकल रहा है, क्या वोल्टेज निकल रही है। अगर ये 9 वाट की बल्ब कह के मिल रहा है तो ये 9 वाट है एक्चुअली, निकाल रही है 9 वाट या नहीं निकाल रही है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम विवेक है, मैं आज बात करने वाला हूँ एलईडी बल्ब के ड्राइवर टेस्टिंग मशीन के बारे में। जी दोस्तों, मैं बताया था कि एलईडी बल्ब के ड्राइवर टेस्टिंग के मशीन के वीडियो एक बनाने वाला हूँ मैं, जो कि आ गई है, हाजिर हो गई है। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एलईडी बल्ब के जो ड्राइवर होती है वो किस तरीके से चेक करोगे आप, कितना वोल्टेज निकल रहा है, क्या सीन है, क्या LPF है, HPF है, कितना पावर फैक्टर है, क्या वोल्टेज निकल रहा है। तो ये सारा चीज मैं आपको दिखाऊंगा इस मशीन के द्वारा, कैसे आप करोगे टेस्टिंग। तो दोस्तों फटाफट आ जाओ, इस चलते हैं इस पे। अब मैंने यहाँ पे इसके एसी पे इसको मैंने, तो फटाफट चलते हैं दोस्तों इस पे। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि मैं बताने वाला हूँ कि कैसे इसको हम टेस्ट करेंगे या कैसे मैं इसको चेक करूंगा। तो चलते हैं अब इस पे, मैं टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ कि ये कैसे वर्क करता है और आपको कैसे पता चलेगा कि क्या ड्राइवर है, कितना वोल्टेज है, क्या निकल रहा है, ड्राइवर टेस्ट कैसे होगा। तो मैं सारा वीडियो इस पे मैं बताने वाला हूँ इस पे सारा चीज। और जैसे कि ये हमारा पैनल है जहाँ पे दिख रहा होगा आपको पावर एफिशिएंसी, एनुअल कंजप्शन, एसी वोल्टेज, एसी करंट, फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर, एसी पावर, डीसी पावर, डीसी वोल्टेज एंड डीसी करंट। तो ये सारा चीज जो आपको दिख रहा है, अगर आप कोई बल्ब को अगर इस पे चेक करना चाहते हो कि कोई बल्ब कैसा चल रहा है या कितना वोल्टेज निकाल रहा है, तो नॉर्मली यहाँ एसी वोल्टेज जो है ये हमारा एसी का करंट है। अभी हमारा एसी का करंट 235 वोल्ट दिख रहा है आपको। अगर जैसे कि ये एक बल्ब है, म्यूजिक बल्ब बोलते हैं इसको, अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि ये आपका 4 वाट की ये रोशनी निकाल रहा है, ठीक है। 4.1, 4.5, 4.185 ये आ रहा है, मतलब 4 वाट की ये पावर निकाल रही है, जबकि एसी वोल्टेज 234 है। फ्रीक्वेंसी आ रहा है आपका 49, जबकि ये 50 हर्ट्ज होता है। तो नॉर्मली 14.9 निकल रहा है, तो ठीक है 50 हर्ट्ज। और ये डीसी पावर जो है, पावर फैक्टर जो है ये 5.19 है। इसका मतलब ये है कि ये LPF है, HPF नहीं है। नॉर्मली HPF जो है 0.959997 ऐसा आता है HPF में। तो दोस्तों मैं अब दिखा दूँ, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ड्राइवर, अगर सिर्फ ड्राइवर टेस्ट करना हो आपको तो आप कैसे टेस्ट करोगे। ये जो पैनल है हमारा, ये ड्राइवर टेस्ट करने के लिए है। यहाँ पे दिख रहा होगा LED ड्राइवर टेस्ट एरिया और यहाँ पे लोड। तो लोड में क्या होता है कि हमारा MCPCB लगता है और यहाँ पे ड्राइवर लगता है। सो मैं आपको ड्राइवर टेस्ट करके दिखाऊंगा। ये HPF ड्राइवर है, इसका ये AC वाला पार्ट है और ये DC वाला पार्ट है। तो DC में क्या होता है, प्लस माइनस होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो हम सबसे पहले AC वाले में चले जाते हैं। और यहाँ पे जो है DC प्लस में रेड वाली और माइनस में व्हाइट वाली, ये हो गया हमारा फिट ड्राइवर। अब इसके बाद जो है हमें MCPCB लगानी होती है, जो कुछ मैंने MCPCB को इस तरीके से सोल्डरिंग करके और टेस्टिंग करने के लिए लगा रखा है। आपको मैं दिखाऊंगा कि ये ड्राइवर कैसे हम चेक करेंगे और कितना क्या
लोड आ रही है, कितना क्या वोल्टेज आ रही है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा फिट। अब जो है हम कर लेते हैं मोड चेंज, ड्राइव मोड में चले जाते हैं। ये लैंप होल्डर मोड था, उसके बाद है शटडाउन, मतलब ये बंद हो गया। उसके बाद है ड्राइवर वाले पार्ट में। तो जैसे ड्राइवर में जाएंगे ये देखिए ये ग्लो कर रही है, और यहाँ चले आते हैं ये वाले पार्ट पे। तो हमारा पावर एफिशिएंसी 0.89, एनुअल कंजप्शन 7.76, आपका एसी वोल्टेज जो करंट होता है वो 234 वोल्ट है, एसी करंट जो है मिली एम्पेयर आ रहा है आपका 30.38 मिली एम्पेयर आपका एसी करंट आ रहा है, फ्रीक्वेंसी जो है 49.8, पावर फैक्टर जो है 0.974। जी दोस्तों मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आप HPF ड्राइवर यूज़ करते हो बढ़िया क्वालिटी की तो वो 0.95 के ऊपर रहता है, मतलब ये 0.97 आ रहा है। एसी पावर जो है 8.6 आ रहा है, मतलब कि ये है, ये मैंने 9 वाट की बल्ब टेस्ट कर रहा हूँ, 9 वाट की ड्राइवर और 9 वाट की MCPC भी लगाए, तो इस पर जबकि 8.6 आ रहा है, मतलब ये 9 वाट के लिए ही है और ये 9 वाट का ही पावर निकाल रहा है। और दूसरा नंबर चीज, DC जो पावर है वो 7.6 निकल रही है, DC वोल्टेज 0.80 निकल रही है, और DC करंट जो है 0.95, DC करंट वाला जो एम्पियर है वो 0.95 निकल रही है। तो दोस्तों आपको मैंने बता दिया कि ड्राइवर कैसे चेक करोगे आप इस मशीन के द्वारा। अब मैं बता दूं कि इस मशीन में क्या क्या फीचर्स है और क्या क्या इस ये कैसे वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें जो है दो स्विच लगी हुई है, मैं इसको करता हूं पहले बंद। जी मैं आपको दिखा दूं, इसमें जो है एक फ्यूज लगी हुई है, ये फ्यूज आपको मिल जाएगी, दो फ्यूज एक्स्ट्रा मिल जाएगी इसके साथ मशीन के साथ। ये फ्यूज अगर खराब हो जाएगी तो ये काम नहीं करेगा। कई बार क्या होता है ना कि कई फ्यूज के कारण कई बार समझ नहीं आता है और लगता है कि मशीन खराब हो गई। जी नहीं दोस्तों, फ्यूज खराब होती है नॉर्मली, इसमें फ्यूज सिस्टम किया हुआ है। इसमें आ रही है दो स्विच, एक है मेन पावर स्विच जिसे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसके साथ एक मिलेगी आपको ED22 होल्डर, जो E27 से B22 कन्वर्टर के होल्डर मिल रहा है, E14 का भी एक होल्डर मिलेगा आपको। उसके बाद आपको मिलेगा ड्राइवर टेस्टिंग के एरिया, MCPC टेस्टिंग एरिया, और ये जो है ये मोड चेंज करने के लिए मिलेगी आपको, ड्राइव मोड के लिए, शटडाउन के लिए और लैंप होल्डर के लिए। अगर आप लैंप होल्डर लगाते हो और ये मोड अगर नहीं किया हुआ है तो फिर ये ग्लो नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, इसको आपको लैंप होल्डर मोड में जाना पड़ेगा, फिर जाके ये पावर देना पड़ेगा, उसके बाद ये स्टार्ट होगा। तो ये हो गया हमारा ड्राइवर टेस्टिंग मशीन। इसमें हम चेक कर सकते हैं एसी वोल्टेज कितना है, हमारा वोल्टेज क्या निकल रहा है, हमारा जो ड्राइवर है उसका पावर फैक्टर क्या निकल रहा है। ये जो तीन चीज़ जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमें नहीं समझ में आती है कि क्या कितना क्या पावर फैक्टर निकल रहा है, क्या वोल्टेज निकल रही है। अगर ये 9 वाट की बल्ब कह के मिल रहा है तो ये 9 वाट है एक्चुअली, निकाल रही है 9 वाट या नहीं निकाल रही है। तो ये फीचर्स हम इससे चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर नए आए तो। थैंक यू दोस्तों, मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक पे। धन्यवाद।